हेलो, हाउ आर यू ऑल? पहचाना नहीं मुझे? तो मैं हूँ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं मास्क वेयर करके मतलब क्यों आप लोग के सामने आई हूँ। तो आज मैं ये आउटडोर लुक कर रही थी। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए मैंने ये नॉर्मली मेकअप किया है। तो हम मास्क में भी अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा अटेम्प्ट किया है इस लुक में, क्योंकि मास्क पहनने के बाद हमारे इतने फेस जो है कवर हो जाते हैं, इतने कवर। सिर्फ एक लिपस्टिक लगाने से आपके पूरे फेस का लुक चेंज हो जाता है, ऐसे में हमारे फेस तो ढक जाते हैं। तो फिर हम अट्रैक्टिव कैसे दिखें, ये मैं आज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर आइडिया मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरा आइडिया ये है कि अगर हम मास्क पहन लेते हैं तो भाई हम अट्रैक्टिव कैसे लिखे। आजकल तो मास्क में लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है, अगर आप उसको ढंग से नहीं जानते। अगर फैमिली मेंबर में भी कोई मास्क लगा के आ जाता था, पहले बोलते अरे भैया मास्क उतारो, कौन हो, मास्क उतारो। पहले मास्क के अंदर हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आजकल मास्क में पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैंने ये सोचा कि अगर हम मास्क पहन के बाहर निकलते तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक कैसे क्रिएट करें। नॉर्मली जो हम लिपस्टिक लगाते हैं वो तो हमारा मास्क के अंदर चला जाता है, और तो मैं तो अगर मास्क कभी निकलती हूँ लिपस्टिक लगाती ही नहीं, क्योंकि कौन देखेगा, लिपस्टिक लुक ही पता नहीं चलता। तो मैंने आज सोचा कि मास्क में अट्रैक्टिव देखना है तो क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, अखियों से गोली मारे, इट्स अ पार्ट ऑफ फन। तो मैंने थोड़ा आईज को ना अट्रैक्टिव क्रिएशन किया है। आप अपने आईज को डिफरेंट कलर के आईलाइनर के साथ भी प्ले कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक जेल आईलाइनर यूज़ किया है। आप चाहो तो ब्लू, पिंक, रेड, जो भी आईलाइनर हो आप सबके पास वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी अट्रैक्टिव एंड डिफरेंट लुक आएगा विद मास्क। तो देखो दूर से ही पहचान में आ रही है, अरे आंखें, कोई आपको देखेगा तो यूं देखते ही रह जाएगा, क्या आंखें हैं। सो सिंपल है, कोई तामझाम नहीं है, बस आईज को बोल्ड करना है, क्योंकि ये डे में मेकअप कर रहे हैं हम, डे मेकअप है। तो ज़्यादा मतलब यू नो ज़्यादा डीप मेकअप मैंने नहीं किया, बस आईज के साथ प्ले किया है, आईलाइनर के साथ प्ले किया है, जो कि आईज को ना थोड़ा बोल्ड आउट देता है, पॉप आउट करता है। इसलिए मैंने आईलाइनर को विंग आईलाइनर क्रिएट किया है, वो भी बोल्ड मोटा सा, तो ताकि आपके आईज उभर के आए। कोई आपके फेस पे अगर देखे तो सबसे पहले आपकी आँखों को ही देखता है, आँखों पे ही नज़र जाता है। अगर आप यू नो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहते हैं तो इस टाइप के आईलाइनर क्रिएट करके और मास्क के साथ बाहर निकलो। डेफिनेटली 100% 90-100% लोग एक बार तो ज़रूर मुड़ के देखेंगे यार, हु इज सी। तो चलो, अगर मेरी आइडिया और मेरे मतलब यू नो मेरा खुराबादी दिमाग में ये बात चल रही थी, तो मैं सोची क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको कि हमने ये कैसे किया है। ईजी सा है, बहुत ईजी पीजी वाला मेकअप लुक है। इसमें मैंने ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं, कम है बट सॉलिड है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यूज़ किया है फेस मिस्ट, गुड वाइब्स का निरोली फेस मिस्ट है। आप यहाँ पे रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए और उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करने के लिए। आप यहाँ पे सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप धूप में निकलोगे बाहर जा रहे हो तो यहाँ पे ज़रूरी है सनस्क्रीन यूज़ करना। उसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है ब्लू हेवन का प्राइमर, जेल बेस प्राइमर है, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल है और सिलिकन बेस प्राइमर है, तो ये काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम, जो हम डेली रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं अपने घरों में क्रीम के तौर पे, वो क्रीम मैंने यहाँ यूज़ किया है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल ब्रांड का कंसीलर कलर करेक्टिंग सिटी एजेंट 1 पैलेट, उसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लेके अपने फेस को थोड़ा कंट्यूर कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन भी यूज़ किया है जो कि स्किप हो गया है। अगर आप फाउंडेशन लगाते हो या क्रीम लगाते हो तो आप वैसे उसको छोड़ दोगे तो पूरा फेस आपका वाइट वाइट दिखेगा, तो मैं अपने फेस को नेचुरल शेड में लाना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्यूरिंग किया है। अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो आपको ब्राउनिंग, कंट्यूरिंग या फिर कलर करेक्टिंग करना
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे ये होता है कि आपका फेस का जो नेचुरल शेड होता है, शेप होता है, वो पता चलता है। तो आपका जो फेस का शेप होता है कंट्यूरिंग या फिर ब्राउनजिंग करने से आपका शेड पता चलने लगता है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी मिनी आई शैडो पैलेट, उसमें से मैंने ये लाइट ब्राउन शेड लेके अपने पूरे क्रीज पे अप्लाई किया है, क्योंकि ये डे मेकअप लुक है तो इसमें हम ज़्यादा कलरफुल कलर शेड पिक नहीं कर सकते, क्योंकि दिन में पता चलता है कि आपने कितना ज़्यादा मेकअप किया है। नाइट में आप बोल्ड करोगे तो चल जाएगा, बट डे में लाइट मेकअप ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउन शेड का ही सिमरी कलर लेके, सिमरी शेड लेके अपने पूरे लीड पे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से, क्योंकि सिमरी शेड फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड होता है। और उसके बाद वही ब्राउन कलर जो मैंने अपने पूरे क्रीज पे अप्लाई किया था, उसी को थोड़ा सा लेके अपने लोअर लैश लाइन पे स्मच करती हूँ। जहाँ पे काजल लगाती हूँ वहीं पे स्मच करती हूँ, बट जहाँ हम काजल लगाते हैं उससे थोड़ा सा नीचे स्किन पे स्मच आउट करना होता है, ना कि वाटर लाइन पे। तो इसको इस तरीके से स्मच आउट करिए, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब ये है मेरा पर्पल का जेल आईलाइनर, जो कि मेरा अब ये फेवरेट हो गया है, मुझे बेहद पसंद आया ये आईलाइनर और ये बेहद अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली इसके यूज़ करने के बाद मुझे अब मन नहीं कर रहा कि मैं लाइनर, लिक्विड लाइनर यूज़ करूं। और ये ना काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है, आप 24 घंटे तक इसको स्टे करके रख सकते हो, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करोगे। रिमूव करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, जब मैं इस मेकअप लुक को रिमूव कर रही थी बहुत टाइम लगा था। क्लिंजिंग मिल्क यूज़ किया मैंने और रिमूवर वाइप से यूज़ किया, उसके बाद जाके फेस वाश की, तब जाके ये रिमूव हुआ। बहुत लेट तक स्टे करता है और बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है ये। इसको लोअर अपर दोनों लैश लाइन में मैं अप्लाई की हूँ, और ये अप्लाई करना बहुत इजी होता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मैं सोचती थी कि ये हार्ड होता है, बट ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। लिक्विड लाइनर से भी इजी है ये, इसको जेल आईलाइनर यूज़ करना बहुत अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप जेल आईलाइनर यूज़ करो, और ये बहुत अच्छा ब्रांड का भी है और बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। 24 घंटे तक आप आराम से टिका के रख सकते हो इस लाइनर को, एज अ काजल यूज़ करिए, एज अ लाइनर यूज़ करिए। अगर आपको थोड़ी देर के लिए मेकअप लुक करना है, यू नो, एज अ आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, तो अब आप ये लाइनर यूज़ मत करना, क्योंकि ये बहुत लंबा टिकता है और रिमूव करने में भी बहुत टाइम लेता है, जल्दी रिमूव ही नहीं होता है। लॉन्ग स्टे के लिए बहुत अच्छा है ये। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मार्स का मस्कारा। मस्कारा अप्लाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप नीचे से ऊपर की ओर प्रॉपर करोगे तो आपका उबड़ा हुआ है लगेगा। यहाँ पे मैंने लाइनर मोटा यूज़ किया है, इसलिए मस्कारे का लैसेस पे उतना आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे मैं फॉल्सेज यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आउटडोर मेकअप लुक कर रही हूँ, तो यहाँ पे फॉल्सेज यूज़ करने का तो सवाल ही नहीं होता। हेवी एंड पार्टी मेकअप लुक रहता है तो लोग फॉल्सेज यूज़ करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लुक देता है। इस तरीके से मैंने मस्कारा यूज़ कर लिया है अपने लोअर लैश लाइन पे भी, अपर लैश लाइन पे भी। तो इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सारे की डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है और क्या क्या यूज़ किया है, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। मैं मस्कारा से अपना आईब्रो भी फिल कर लेती हूँ, और ये भी बहुत लॉन्ग स्टे करता है। अगर आप अपने आईब्रो को हेवी नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मली सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छा लुक आएगा, उतने से भी काम चल जाता है। अब मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो कि लाइट मरून शेड है, और ये एकदम मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छे मैच जाता है। लगता नहीं है कि मैंने ओवर कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है या फिर ब्लश भी किया है, नेचुरल सा शेड आता है, आप देख सकते हो मेरे फेस पे। अब मैं यहाँ पे सिंदूर अप्लाई करती हूँ, जो कि एक शादीशुदा लड़की के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनमैरिड हो तो ये सारी चीज़ें स्किप कर देना, ओवरऑल आपके साथ एकदम परफेक्ट लुक जाएगा। और ये लिपस्टिक है एनवाइवे का न्यूड शेड, शेड नंबर 12 है ये, नहीं 15 है, शेड नंबर 15 है ये। आप यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हो वो, और वो बेटर भी रहेगा, बट ये मेरा क्रीम मैट लिपस्टिक है, आप लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई करना, क्योंकि मास्क में रहोगे तो आपका मास्क में लगेगा नहीं, लिपस्टिक ड्राई आउट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ ये छोटू सा इयररिंग लगा लिया है। अब बारी आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विच इज़ मास्क।
तो विदाउट मास्क आप घर से बाहर मत निकलना। इसके साथ आप हैंड सैनिटाइज़र एंड टिश्यू पेपर भी साथ में लेके चलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी कोविड के टाइम में घर से बाहर निकलते समय मास्क, सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर साथ में होना। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें लेके निकलो। विदाउट मास्क बिल्कुल मत निकलना। कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें अभी अलर्ट रहना है, सेफ रहना है। तो ये मेरी फाइनल लुक है। आई होप आप सबको मेरी ये लुक पसंद आए होंगे, मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। तो ये था मेरा इजी पीजी वाला मेकअप ट्यूटोरियल मास्क के साथ, आउटडोर मेकअप ट्यूटोरियल। इट्स अ डे लुक विद मास्क। मास्क में आप अट्रैक्टिव कैसे दिखोगे? तो ऐसे दिखोगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको मेरी आइडिया अच्छी लगी, मेरे वीडियो कुछ पसंद आया, मैं अच्छी लग रही हूँ, मेरा मेकअप लुक आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और अट्रैक्टिव लुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।